अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कपास की फसल है, कपास के बूटे लगे हुए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कपास की कैसे चुनाई की जाती है। यहाँ की जो इलाके की औरतें होती हैं वो आकर कपास को कैसे चुनती हैं और कपास कैसे इकट्ठी की जाती है। आज की वीडियो में आपको ये सारा दिखाने वाला हूँ कि कपास की चुनाई कैसे होती है, औरतें यहाँ पर आकर कैसे चुनाई करती हैं और कपास को कैसे इकट्ठा किया जाता है। तो आप वीडियो आखिर तक देखिए तो जिसमें आपको सारा दिखाया जाएगा कि कपास की चुनाई कैसे की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको कपास नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एक एक पौधे से कपास को यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ पर औरतें कपास को चुन रही हैं। ये सुबह सुबह के वक्त सारी औरतें यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और कपास को चुना जाता है। एक एक पौधे से कपास को चुना जाता है। तो इस तरह कपास की चुनाई होती है। ये बहुत ही मेहनत वाला काम है जी नाजरीन। आप ये देख सकते हैं एक पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा कपास लगी हुई है। ये देखें, इस तरह इसको करके निकाला जाता है। इस तरह ये कपास को निकाल लेते हैं। तो जब ये सारी कपास इकट्ठी हो जाती है, बाद में इसका वजन कर लिया जाता है, तो इनको फिर पैसे मिल जाते हैं। ये देखें, छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। आज इतवार का दिन है तो छोटे बच्चों ने भी कपास को चुना है। ये देखें, इनको बड़ा शौक होता है कपास इकट्ठा करने का। तो ये बड़ा खुश होते हैं, इनके भी पैसे बन जाते हैं, तो आज का इनका खर्चा बन जाएगा। ये बहुत खुश हो रहे हैं। ये देखें, ये बच्चा बहुत खुश है। ये जो इनको पैसे मिलेंगे तो ये चीज़ ले लेंगे, खाने की चीज़ें लेंगे, बहुत खुश होंगे। कपास नु की करने इकट्ठी करके की शह लई से? अच्छा, ये कह रही है कि मैं इस कपास नु बेच के शह लई सा। ये बहुत खुश होंगे कपास नु इकट्ठा करके, फिर ये कपास नु बेच दें दिन, फिर इन्हें नु पैसे मिल दिन, ये मुड़ा अपने खावन पीवन की चीज़ें ले लें दिन। ये कपड़ा इस तरह बांध कर तो इस कपड़े के अंदर कपास डाली जाती है। जब ये पौधे से कपास निकाल लेते हैं तो उसको फिर ये कपड़े में डाल देते हैं। इस तरह का कपड़ा होता है, इसको सार पर बांधा जाता है, फिर इस तरह बांध कर तो इस तरह इसके अंदर कपास डाली जाती है। तो आप ये देख रहे हैं, ये देखें जी, इस तरह कपड़े को बांधा जाता है, फिर इस तरह सार पे बांधा जाता है, तो फिर ये इसके अंदर कपास डाल दी जाती है। तो जब ये सारी कपास इकट्ठी हो जाएगी तो आखिर पे इसका वज़न कर लिया जाता है, फिर इस वज़न के हिसाब से इनको पैसे मिल जाते हैं। तो असल में कपास यहाँ से जाती है, तो ये किसानों की मेहनत है, जाट लोगों की मेहनत है। जो आप कपड़ा पहनते हैं इसी कपास से ही आगे जाके कपड़े तैयार होते हैं। ये सुंडी होती है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। ये देखें, कपास के ऊपर काफ़ी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो ये इनका एक अच्छा खासा रोज़गार है, इनको पैसे मिल जाते हैं। जितनी भी कपास इकट्ठी की जाती है, बाद में इसका वज़न कर लिया जाता है, फिर इनको पैसे मिल जाते हैं। पहले ये फूल बनता है, फूल के बाद फिर इस तरह का ये बन जाता है। ये देखें, ये तैयार होता है, फूल के बाद ये तैयार होता है। तो इसके अंदर कपास होती है, ये कुछ दिनों बाद ये खुल जाता है, तो इसके अंदर सारी कपास आ जाती है। ये असल में ये रुई है, ये अभी काफ़ी गीली है, इसके ऊपर पानी है। असल में ये जो होता है पौधा, ये खुल जाता है, जब ये खुलता है तो इसके अंदर कपास आ जाती है। यही कपास बाद में फैल जाती है, खुश्क हो जाती है, तो अभी ये गीली है। तो इसके अंदर रुई को अलग कर लिया जाता है और पेवे को अलग कर लिया जाता है।
पेवे से फिर तेल तैयार करते हैं, खल तैयार हो जाती है, जो रुई होती है उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जिससे हमारा ये कपड़ा तैयार होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये रुई चली जाती है। तो आजकल पाकिस्तान में आपको पता है रुई की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, रेट इसका बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पाकिस्तान में आजकल रुई की पैदावार बहुत कम है। तो यही वजह है कि अब कपास की फसल बहुत कम होती है हमारे इलाके में। अब आपको दिखाते हैं, आप देखें यहाँ पर काफ़ी पौधे ख़राब भी हो चुके हैं, उन पौधों को वायरस लग गया है। तो जब ये वायरस लग जाता है तो फिर ये पौधे की जो पैदावार है वो मुतासर होती है। तो ये देखें जी, ये पौधा बिल्कुल सड़ गया है, इसको वायरस लगा है, कोई इसको बीमारी लग गई है। देखें जी, यहाँ पर औरतें इकट्ठी हो गई हैं, कपास चुन कर आ गई हैं। तो अब यहाँ पे ये वज़न करवाएंगे, जितने भी इन्होंने कपास को इकट्ठा किया तो इसका वज़न हो जाएगा, फिर इनको पैसे मिल जाएंगे। देखें यहाँ पे वजन हो रहा है, जो कपास इन्होंने इकट्ठी की है अब इसका वजन हो रहा है, फिर इनको पैसे मिल जाएंगे।